हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रेणुका रावत, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख सकते हैं ये मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है एंड ये मेकअप लुक मेरी सिस्टर भावना ने क्रिएट किया है, जिसका खुद का यूट्यूब चैनल है टिप्स बाय भावना। तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसके चैनल का, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत क्यूट सा एंड सिंपल सा न्यूट मेकअप लुक उसने क्रिएट किया है। आई होप आप लोग को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि उसने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले यहाँ पे ये यूज कर रही है मेबलिन का कंसीलर एंड इसको ये अच्छे से मेरे आईलेट के ऊपर लगा लेगी, जो इसमें एप्लीकेटर आता है उसी की हेल्प से। एंड उसके बाद एक फ्लैट ब्रश लेके ये अच्छे से पूरे कंसीलर को ब्लेंड कर देगी मेरे दोनों आईज में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये यहाँ पे यूज़ कर रही है द जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट मेरे आई मेकअप के लिए। एंड सबसे पहले ये लाइट ऑरेंज शेड लेके एज अ ट्रांजेक्शन शेड मेरे आईलेट के ऊपर लगा लेंगी, अच्छे से ब्लेंड करते हुए मेरे दोनों आईज में ये इस तरीके से लगा लेंगी। और उसके बाद सेम पैलेट में से ये थोड़ा लाइट ब्राउन शेड लेंगी और उसको मेरे क्रीज लाइन पे भी ये ब्लेंड करेंगे अच्छे से, और मेरे आउटर वे पे भी, जो मेरा आईज का जो आउटर वे होता है वहाँ पे और क्रीज लाइन पे दोनों साइड पे ये ब्राउन शेड यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, और यहाँ पे इसने भी उनसे बात करनी थी तो इसलिए मैंने स्पीकर खोल के हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तरीके से ये मेरे दोनों आईज के ऊपर इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद ये सेम मेबलिन का कंसीलर लेके हाफ कट क्रीज बना रही है, हाँ, तो ये हाफ कट क्रीज बनाएंगे मेरे आईज के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगेन उसी कलर को लेके ये थोड़ा सा साइड पे आउटर वे पे अच्छे से ब्लेंड कर देगी कलर को, जो भी कलर थोड़ा लाइट हो गया था उसको ब्लेंड कर देगी और वापस। एंड उसके बाद इसी पैलेट में से ये शिमर शेड लेके मेरे आईलेट के ऊपर लगा देंगी, जहाँ पे उन्होंने कट क्रीज बनाया था, ठीक है। और अब ये यूज़ कर रही है लाइनर, तो लाइनर के लिए यहाँ पे इसने लिया है लैक्मे का लाइनर एंड इससे ये मेरे आईज के ऊपर एक आईलाइनर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे ये मेरा फेस मेकअप स्टार्ट कर रही है, तो उसके लिए इसने सबसे पहले यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज किया है, जो ऑयली एंड ड्राई दोनों स्किन्स के लिए होता है, तो ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो ये इसने यूज़ किया था मेरे पूरे फेस में और अच्छे से मेरे फेस पे मसाज दे दी थी। एंड उसके बाद ये आई थिंक गुड वाइव्स का ट्री ट्री का कुछ सीरम है, हाँ, तो ये इसने दो तीन ड्रॉप्स मेरे फेस में इसकी भी अप्लाई करी थी एंड उसको भी इसने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा था तो इसीलिए हम लोग इतना हंस रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैसे इतनी ठंड थी और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो इसीलिए। और इसके बाद ये यहाँ पे यूज़ करती है एन वाई का प्राइमर एंड इसको भी मेरे अच्छे से मेरे पूरे चीक्स वगैरह में, जहाँ पे भी ओपन पोर्स वगैरह वहाँ पे ये इसको लगा देगी। और इस टाइम पे, मतलब ये वीडियो शूट करने के टाइम पे हम लोगों ने इतनी बातें करी है ना, तो मतलब मैं, आप देख सकते हो मुझे, मैं बिल्कुल छुप नहीं हूँ, मैं बोलने में लगी हूँ, कुछ ना कुछ मेरा मुँह हिलने में लगा है। तो हम लोगों ने इस टाइम पर बहुत सारी बातें करी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर करी एक दूसरे के साथ। एंड उसके बाद ये यहाँ पे यूज़ कर रही है ये एन वाई का ऑरेंज कैरेक्टर, सॉरी ग्रीन कैरेक्टर, ये ग्रीन कैरेक्टर जो होता है वो रेडनेस को कम करने के लिए होता है, तो उसके लिए ये यूज़ कर रही है मेरे फेस पे। एंड उसके बाद आई थिंक ये एन वाई का ही ये ऑरेंज कैरेक्टर भी यूज़ करेगी, हाँ, एन वाई का ही ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ करेगी, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, जो भी मेकअप का सामान है ये सारा सामान इसका है, मेरा नहीं है, तो इसलिए मुझे इतना नहीं पता कि इसने क्या यूज़ किया था क्या, मैंने उसमें इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि हम बातें ही करने में थे, तो इसीलिए। और उसके बाद ये अच्छे से इसको पूरे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देगी ऑरेंज कैरेक्टर एंड ग्रीन कैरेक्टर को, तो अच्छे से इस तरीके से मेरे पूरे फेस में इसको पहले ब्लेंड कर देगी। एंड उसके बाद ये यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ कर रही है और इसमें जो एप्लीकेटर आता है उसी की हेल्प से ये मेरे पूरे पहले पूरे फेस में लगा देगी फाउंडेशन को, और उसके बाद ब्रश की हेल्प से
इसको अच्छे से ब्लेंड कर देगी, ठीक है। और उसके बाद ये ब्यूटी स्पंज ले रही है यहाँ पे, और उसके हेल्प से डैप डैप करके पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही है मेरे पूरे फेस में। एंड आप लोग को अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा होगा, मुझे भी ऐसे ही लगा था, बट धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा फाउंडेशन अच्छे से। आप लोग एंड में देखिएगा, बिल्कुल भी इतना वाइट नहीं लग रहा, नेचुरल नॉर्मल फेस लग रहा है। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा बाद में। तो ये इस तरीके से पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड कर देगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और उसके बाद ये यहाँ पे अगेन NY का ये कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही है, ये आई थिंक ऑरेंज या ब्राउन शेड में आता है, तो ये यूज़ कर रही है। और उसके बाद इसको ये एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देगी जहाँ पे भी इसने पूरे फेस मेरा जो भी कॉन्टोर वगैरह करा हुआ है चीक्स और नोज पे, वहाँ पे ये इसको अच्छे से ब्लेंड कर देगी। और उसके बाद अगेन ये मेबलिंग का कंसीलर यूज़ कर रही है, तो इसको ये मेरे अंडर आई एरिया में इसमें लगा देगी मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। और बाकी फोर हेड और नोज़ के पास जहाँ पे कि जो फेस के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हाइट होते हैं, तो वहाँ पे ये कंसीलर को अच्छे से लगा लेगी। और उसके बाद ब्यूटी स्पंज की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये फेस मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये यूज़ कर रही है यहाँ पे स्टिक वर्की का ब्लश, और उससे लाइट पिंक शेड था ये, तो ये इस तरीके से मेरी चीक्स में एक ब्रश की हेल्प से पूरा ब्लश यूज़ कर लेगी, अच्छे से ब्लेंड कर लेगी इसको। तो उसके बाद अगेन इस पैलेट में से ये शिमर शेड लेगी एज अ हाइलाइटर, और मेरे चीन में इसको अच्छे से यूज़ कर लेगी, मेरे फेस को हाईलाइट कर देगी और मेरे नोज़ को भी, तो जहाँ पे भी हाईलाइट वाले एरिया जो होते हैं पार्ट होते हैं वहाँ पे ये अच्छे से हाईलाइट कर लेगी। अब पता नहीं हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मैं एक मिनट चुप नहीं हूँ, मतलब मैं चालू ही थी बोलने में और वो भी वहाँ से चालू थी। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। और उसके बाद ये फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही है मेरे मेकअप को सेट करने के लिए। और उसके बाद ये यहाँ पे ये नायका की मिनी लिपस्टिक यूज़ कर रही है, और ये काफ़ी न्यूट शेड है और काफ़ी लाइट शेड है, तो इसको ये मेरे अच्छे से मेरे पूरे लिप्स में लगा लेगी। और यहाँ पे मैंने इसकी लिपस्टिक ख़राब कर दी थी तो इसलिए मेरे को डांट रही थी, तो ये अच्छे से इस तरीके से पूरी लिपस्टिक को मेरे लिप्स में लगा देगी। तो यहाँ पे इसने मेरी लिपस्टिक कंप्लीट कर दी थी, लगा दी थी, तो ऑलमोस्ट मेरा फेस मेकअप भी हो गया था। तो अब आ रही थी आईब्रोज को फिल करने की, तो उसके लिए इसने अगेन जैकलिन हिल का पैलेट लिया और इसमें से ये ब्लैक शीट लेके एक एंगल ब्रश की हेल्प से इसने अच्छे से मेरी आईब्रोज को फिल आउट कर दिया था। तो बस फिर यहाँ पर इसने मेरी आईब्रोज फिल कर ली थी दोनों आईब्रोज। एंड उसके बाद मेरी लोअर लैश में ये ब्राउन शेड, हाँ थोड़ा ब्राउन शेड लेके अच्छे से उसको मेरी लोअर लैश में ब्लेंड कर देगी, क्योंकि हमने यहाँ पे काजल नहीं लगाना, ब्लैक काजल यूज़ नहीं करना है इसीलिए। एंड उसके बाद बारी आती है मस्कारे की, तो यहाँ पे इसने मेबलिंग का मस्कारा यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा डर रही थी, एक्चुअली होता है दूसरों के उसमें मस्कारा जब हम लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, तो इसलिए मैंने बोला चल मैं खुद कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी लैशेस को अच्छे से मस्कारा कर दिया था। उसके बाद ये यहाँ पे यूज़ कर रही है NY की ये वाइट पेंसिल, तो इसको ये अच्छे से मेरे वाटर लाइन पे लगा लेगी, मेरी दोनों वाटर लाइन पे ये अच्छे से वाइट पेंसिल लगा देगी, तो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक होता है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का फाइनल लुक। आई होप आप लोग को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।